16 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने स्वागत कक्ष और थाना में तुरंत FIR कटेगी। माननीय सभापति महोदय, पहले थानों में लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी, लोग बाहर किसी थड़ी पर बैठते थे या किसी होटल पर बैठते थे या किसी की पेड़ की छाव में बैठते थे, लेकिन उसकी कोई पूछ करने वाला नहीं था। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में हर थाने में स्वागत कक्ष खोलकर बहुत ही सराहनीय काम किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी के साथ ही पहले जो गरीब अनपढ़ लोग थाने में जाते थे उनकी कोई सुनवाई नहीं करता था, भले 10-10 दिन चक्कर मारते थे लेकिन उनकी FIR नहीं कटती थी। लेकिन अब संवेदन सरकार है, अब थाने में जाते हैं तो उनको FIR काटनी है और जो भी फरियादी है उसकी सुनवाई करनी है। ये हमारी सरकार का अच्छा डिसीज़न है, अच्छा काम है। इसी के साथ ही मैं TSP क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि मैं आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, हमारे जो TSP क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो डेली काम पे जाते हैं, उनका पुलिस द्वारा चालान बनाया जाता है। चालान भी 200 रुपये का, 500 रुपये का। वो गरीब मजदूर जो बाजार में काम पे जाता है मोटरसाइकिल लेकर, 200 रुपये तो मुश्किल से कमाता है, और पुलिस उनसे चालान के नाम पर या तो कभी चालान की रसीद काटती है या तो कभी लेन देन करके यूं ही निपट लेती है। तो सभापति महोदय जी, जो ऐसा हो रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और आगे से खाली ST SC और गरीब व्यक्ति हैं उनके ही ज़्यादा चालान क्यों बनते हैं, दूसरे वर्ग के चालान नहीं बन रहे। ST SC जो गरीब व्यक्ति है उसके ही चालान बनाते हैं, दूर से देख लेते हैं ये व्यक्ति गांव से आ रहा है, उसको हाथ मारते हैं, रोक लेते हैं, उसका चालान बनाते हैं। तो सभापति महोदय जी, ये आपकी सरकार में भी हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ये जो पुलिस प्रशासन जो इस तरह से जो रवैया अपना रहा है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ सभापति महोदय जी। उसी के साथ ही TSP क्षेत्र में जो भी पुलिस की भर्तियाँ निकलती है, हमारे 80% जनसंख्या ट्राइबल है, लेकिन हमारे पुलिस की जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें हमारे TSP के खाली ST के पद खाली 5 या 7 और जनरल वर्ग के 50, ये हमारे क्षेत्र के वहाँ युवाओं में नाराजगी है। सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि TSP क्षेत्र में जो पुलिस की भर्ती निकले उसमें संख्या बढ़ाई जावे, तो हमारे बेरोजगार जो युवा हैं उनको नौकरी मिल सके। उसी के साथ ही थानों में, चौकियों में कई वर्षों से वहां बैठे हुए हैं थानेदार, 5-5 साल तक सिपाही भी चौकियों में बैठे हुए हैं, थाने में बैठे हुए हैं, 5-5 साल, 7-7 साल हो चुके हैं। मेरा निवेदन है उनको हटाया जाए, क्योंकि वो फील्ड में लोगों से मिलना जुलना हो गया है और ज़्यादा उनसे कुछ भी छोटा काम होता है उनसे बड़ी मोटी रकम वसूली की जा रही है। ये जनता की समस्या, क्षेत्र की समस्या मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता की क्षेत्र की समस्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसी के साथ ही माननीय सभापति महोदय जी, TSP क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर पुलिस थानों में और चौकियों में थानेदार और सिपाही लगाए जाएं, क्योंकि आप बाहर के थानेदार और सिपाही जो लग रहे हैं, जो चौकियों में हेड कांस्टेबल लग रहे हैं, जो थानों में यहाँ से थानेदार या डिप्टी जो लग रहे हैं, यहाँ की भाषा न तो हमारे वाले समझ सकते हैं और हमारी वाली भाषा इधर वाले समझ नहीं सकते, वागड़ी भाषा यहाँ के अधिकारी नहीं समझ सकते हैं, तो जो फरियादी जाता है वो फरियादी कुछ और कहता है और यहाँ के अधिकारी कुछ और समझते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो TSP क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जैसे बांसवाड़ा के हैं उनको उधर डूंगरपुर लगाया जाए, जो डूंगरपुर के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको उदयपुर लगाया जाए, इनका जिला चेंज किया जाए। लेकिन अभी पता नहीं कौन सी नियम प्रक्रिया बनाई है कि TSP वाले जो
हमारे जो भी SHO हैं, थानेदार हैं, कर्मचारी हैं, उनको नॉन DSP में डाला गया है। ये कौन से नियम के अंतर्गत डाला गया है? आखिर कब तक ऐसा चलेगा हमारे साथ? ST SC OBC और माइनॉरिटी के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और किया जा रहा है। ऐसा क्यों? जब हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन हमारे लोगों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, कई सभापति महोदय जी, हमारी संस्कृति है, परंपरा है, हमारे घर में वार त्योहार में, पहले भी मैंने ये बात बताई है कि हमारे वार त्योहार पर एक दो बोतल घर में रहता है, लेकिन पुलिस वाले उसको खाली दो बोतल ले जाके उसको 10 बोतल का मुकदमा झूठा बनाते हैं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं कि हमारा टारगेट है। तो टारगेट ये दे कौन रहा है उनको? ये टारगेट कहां से आ रहा है? लेकिन जो अंग्रेजी शराब है, जो गुजरात जारी है, वहां इनका टारगेट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन गरीब आदिवासी जो झोपड़े में बैठा हुआ है, वो इसकी संस्कृति, परंपरा, मौत मरण पे, शादी ब्याह पे ऐसा जो रखता है, हमारे पूर्वजों के पूछते हैं, धार लगाते हैं, वहां पर इनको 2 बोतल की, इनको 10 बोतल जूठा पानी डाल के ऐसे मुकदमे जूठे बनाए हैं। सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन है, ऐसे जो जूठे मुकदमे जो हमारे TSP एरिया पर जो लोगों पर लगा है, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। इसी के पहले थोड़े दिन पहले ही काकरी डुंगरी कांड हुआ था, वो पूरा राजस्थान हिंदुस्तान जानता है। वहां पर बाहर के लोग आए थे, बाहर से आए थे, लेकिन मेरे विधानसभा में उपद्रव हुआ था। अब वहां पर हाईवे के आसपास जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे को जानते ही नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको पुलिस झूठे मुकदमे में फंसा रही है। जो करने वाले थे वो करके भाग गए। तो मेरा आपसे निवेदन है, जो निर्दोष हैं, जो झूठे मुकदमे किए हैं पुलिस ने, वो मुकदमे वापस लिया जाए। ये सभापति महोदय जी, ये मेरा आपसे निवेदन है, और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये झूठे मुकदमे वापस लिया जाए और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करें। उसी के साथ ही आए दिन हमारे कहीं पर काकरादरा है, शिशोद है, माथुगमड़ा है, बलवाड़ा है, वहाँ आए दिन पथराव होता है। मैंने भी पुलिस को कई बार कहा कि यहाँ पर आप गश्त लगाएं, लेकिन वहाँ पर लूटपाट, चोरी, उस तरीके से जो घटनाएं घट रही है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, शिशोद, सतीरामपुर और कोटाना, यहाँ पर शिशोद में थाना और कोटाना, सतीरामपुर और बलवाड़ा, यहाँ पर चौकी खोली जाए तो हमारे क्षेत्र में थोड़ी शांति बनी रहेगी। सभापति महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक जैसलमेर के पोखरण की घटना है, वहाँ आदिवासी का कोई जमीन का मैटर था, उस आदिवासी ने थाने में जाकर आत्महत्या कर ली आग लगाकर, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो दलित था, आदिवासी था, और जो पूंजीपति, जो पैसे वाले थे, उनको छोड़ दिया। तो ये कहाँ का अन्याय है सभापति महोदय जी? ST SC OBC और माइनॉरिटी के साथ न्याय होना चाहिए, वे मैं आपसे मांग करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंद्रमान सिंह आ क्या? माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने पुलिस कारागार मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया।